नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, लेकिन सीएम कौन होगा, वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर मंथन लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि मंथन लगातार उस वक्त इस बात को लेकर है कि चेहरा, जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था वो चेहरा तो चुनाव में हार गया, यानी कि पुष्कर धामी तो हार गए। तो क्या बीजेपी में इस वक्त जो मंथन चल रहा है, पुष्कर धामी को लेकर किसी तरह का कोई असमंजस है, सस्पेंस बना हुआ है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है सीएम पद को लेकर, सीएम की शपथ को लेकर, उसके बाद कांग्रेस उत्तराखंड में हमलावर है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। कौन बनेगा उत्तराखंड का सीएम? बीजेपी में खत्म नहीं हो रहा मंथन, सीएम को लेकर इतना सस्पेंस क्यों? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का परिणाम आए हुए 6 दिन का समय होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी संगठन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर पाया है। उत्तराखंड बीजेपी के शीर्ष नेता अभी दिल्ली में डटे हुए हैं, जिसमें उनके द्वारा पार्टी हाईकमान के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। देरी होने से लेकिन कांग्रेस में असंतोष है और बीजेपी के अंदर सीएम पद को लेकर हो रहे मतभेद पर कांग्रेस हमलावर है। 47 का 2/3 बहुमत होने के बाद देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को अनुशासित पार्टी मानती है, एक अदद मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही है, एका नहीं हो पा रहा है, सहमति नहीं हो पा रही है, बार बार ऑब्जर्वर बदले जा रहे हैं। क्या मतलब जिस तरीके की, तो उत्तराखंड की जनता के साथ एक भद्दा मजाक भाजपा द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी की माने तो अंतिम फैसला हाईकमान को करना है कि उत्तराखंड का सीएम कौन होगा। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि पार्टी में संगठनात्मक तरीके से काम किया जाता है, जिसमें हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को लेकर के हमारी एक प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे विधानमंडल दल की बैठक होगी और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड मुख्यमंत्री के नाम तय करेंगे और उसके बाद ही मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। और किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जल्द ही केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर लेगा। उत्तराखंड में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भी बीजेपी का संगठन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अपना अंतिम फैसला नहीं ले पा रहा है, जबकि पार्टी के पास कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन पार्टी संगठन अभी भी फीडबैक लेने में जुटा हुआ है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी मसले पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा, जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, क्या उस चेहरे पर किसी तरह का असमंजस है? प्रदेश को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? किस तरह का मंथन चल रहा है? 3 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनय गोयल जी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त। विनय गोयल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दीप वोहरा जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन पहले विनय गोयल जी से हम बात कर लेते हैं, इसके बाद बाकी मेहमान जब जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। अब विनय गोयल जी, क्यों देरी हो रही है? इतनी अच्छी जीत हुई, प्रचंड जीत है, आप लोग दावा जैसा किए उसी हिसाब से उत्तराखंड की जनता ने आप लोगों को इतनी बड़ी प्रचंड जीत दिलाई, अब मुख्यमंत्री बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इसलिए कि पुष्कर धामी चुनाव हार गए, या फिर मंथन चल रहा है कि कौन बेहतर रहेगा उत्तराखंड के लिए? नहीं, देखिए कहीं कोई विलंब नहीं है और हर काम का एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में पहली आवश्यकता ये है कि हमारे विधानमंडल दल की बैठक हो। जैसे ही विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी, आप देखेंगे बहुत कम समय में ये सारा निर्णय हो जाएगा और जो विधानमंडल दल की बैठक में जो भी नाम आएगा इसको केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की सहमति के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री जी की शपथ का कार्यक्रम तय हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई विलंब जैसी कोई बात नहीं है। इन दिनों चूंकि हम सभी जानते हैं कि होली का पर्व चल रहा है, उल्लास का समय है और थोड़ा सा हमारे यहाँ परहेज किया जाता है
सोलाष्टक के समय कोई पुण्य अच्छा काम करने से बचा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो हमारे प्रदेश में जो मान्यताएं चलती हैं उनका सम्मान करते हुए पार्टी ये थोड़ा सा समय उस कारण से ले रही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जी मतलब आप लोग का ये कहना है कि मंथन में कोई नया चेहरा भी हो सकता है, क्या इस बात को मैं मानकर चलूं कि पुष्कर धामी नहीं बनने जा रहे हैं उत्तराखंड के सीएम? नहीं, ऐसा देखिए मैंने आपको ये कहा कि हमारे जो नेतृत्व के संज्ञान में सारा विषय पूरे विस्तार से है और सारे विषयों पर गहनता से चिंतन मनन करने के पश्चात, वार्ता करने के पश्चात, सभी की राय मशवरा करने के पश्चात पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ये विषय तब आएगा जब हमारा विधानमंडल दल अपनी बैठक करेगा, उससे पूर्व जब विषय आएगा तब इस पर चर्चा होगी। क्या पैरामीटर क्या रखा गया है, मतलब कुछ तो चर्चा जिसे आप लोग भी पता चलता होगा ना गोयल साहब की, क्या किस पैरामीटर के आधार पर उत्तराखंड को बीजेपी की तरफ से एक बेहतर सीएम दिया जाएगा? पैरामीटर आप लोग का क्या है? पैरामीटर तो सदैव उत्तराखंड का विकास और जो उत्तराखंड के हित में सर्वोत्तम हो वो करने का पैरामीटर हमारा स्थापित पैरामीटर है और जो उत्तराखंड के हित में सबसे अच्छा होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो एक सवाल का जवाब और दे दीजिए गोयल जी, क्या आप लोग इस बात को लेकर थोड़े अनकंफर्टेबल नहीं या सहज नहीं है कि इतनी प्रचंड जीत बीजेपी को मिली और आपका सीएम जो चेहरा था वो उत्तराखंड में जो पुष्कर धामी पर आप लोग बकायदा कह भी रहे थे वही चुनाव हार गए, तो क्या ये असहजता जो है पुष्कर धामी को लेकर ये पार्टी के अंदर है, इस बात को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर चुनाव हार गए तब भी क्या होगा, सीएम तो बनाया ही जा सकता है, 6 महीने के बाद वो बन जाएंगे, विधानसभा की सदस्यता ले लेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरी विजय प्राप्त की है, वो सेनापति स्वयं चुनाव नहीं जीत पाए तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के मन में इसका कष्ट है। हाँ नहीं तो जहां तक एक बार मैं और सवाल पूछा था, पता नहीं आप थे बीजेपी की तरफ से या कोई और थे, कि ठीक है अगर युद्ध लड़ा जा रहा है और सेना की विजय होती है, सेना जीत जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेनापति की ही तो जीत है, और सेनापति घायल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सेनापति को उसका क्रेडिट ना दिया जाए। अगर इस आधार पर चल रहे हैं तब तो बहुत ही क्लियर कट ऑप्शन है आप लोगों के पास, विकल्प है पुष्कर धामी, तब भी इतनी देरी क्यों हो रही है मंथन में, वाकई में समझ से परे की बात है। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के दीप वोहरा जी जुड़ चुके हैं, दीप वोहरा जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी जुड़ चुके हैं दीपक पांडे जी, दीपक पांडे जी आपका स्वागत है। दीप वोहरा जी के पास मैं आता हूं। दीप वोहरा जी, चुनाव बहुत ही बेहतरीन चुनाव रहा उत्तराखंड का, बीजेपी के हाथ में पूरी तरह से प्रचंड जीत आई, जनता ने उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया, उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीएम कौन होगा इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है बीजेपी के अंदर। आप लोग भी चाहते होंगे ना कि कुछ खास, चूंकि मजबूत विपक्ष के तौर पर अभी भी है कांग्रेस पार्टी वहां पर, तो आप लोग भी तो चाहते हैं कि उत्तराखंड के हित में एक ऐसा चेहरा दिया जाए बीजेपी की तरफ से जो सर्वमान्य हो। पुष्कर धामी सर्वमान्य अगर बीजेपी की तरफ से दे भी दिया जाता है तो क्या कांग्रेस के लिए सर्वमान्य होंगे या नहीं होंगे, कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे ना आप लोगों के जहन में। देखिए गौरीशंकर जी, हमने कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे पहले जब 3-3 मुख्यमंत्री खोपे गए थे इस प्रदेश भाजपा द्वारा, उस पर भी लड़ा, लेकिन जनता भी जानती थी ये गलत हुआ है, जो हमने इनको 57 का मैंडेट दिया था उसमें इन्होंने हमें 3-3 मुख्यमंत्री, और ये बात जनता को भी पता थी इन्होंने ये किया है। तो एक सीएम का फेस जिस सरकार को बचाने के लिए उनको भेजा गया था और वो चुनाव हार गए और अच्छे खासे वोटों मतों से एक मुख्यमंत्री चुनाव हारे, और ये सभी जानते हैं। अभी बड़े भाई गोयल साहब ने बहुत ही मतलब शिष्टा पूर्वक कह दिया, उससे कह दिया होली है, होली में अच्छा काम नहीं होता, होलियों में जरूर घर में विवाह नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के जन्मदिन और दूसरे होली मिलन कार्यक्रम भी नहीं होते या दूसरे अच्छे काम भी नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि भाजपा के नेतृत्व को पता है कि कहीं ना कहीं कुछ विधायकों में अंतर द्वंद्व युद्ध रहता है इनके,
और क्योंकि वरिष्ठता का भी ख्याल, बहुत बहुत वरिष्ठ है जिनको इन्होंने साइड किया हुआ है, तो अभी इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे सरकार चलेगी 100 दिन बाद हम भी देखेंगे, हम अपने तरीके से जो जनता के मुद्दे हैं दोबारा सड़क पे लाएंगे। नहीं नहीं, आप देखेंगे, जरूर देखेंगे, आप विपक्ष में हैं तो देखना आपका फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या इस बात को लेकर बीजेपी का अंदरूनी मामला कहा जाएगा कि उत्तराखंड का सीएम कैसा होगा, उत्तराखंड का सीएम कौन होगा? उसमें तो मुझे लग रहा है विपक्ष के पास भी एक उम्मीद होती है ना कि अगर इन्हें सीएम बना दिया जाए तो बेहतर होगा। आप लोगों के ध्यान में आता होगा कि इस वक्त बीजेपी के अंदर कौन कौन ऐसे विकल्प के तौर पर मजबूत दावेदार हैं जिस पर बीजेपी हो सकता है दाम लगाए? दीप वोरा जी, देखिए अगर विकल्प होता तो तीन तीन सीएम क्यों करते? इन्हें तो केंद्र का लट्टू चाहिए, वहां से वो कहते हैं कि रस्सी घुमाएगा वो यहाँ पे हो, अगर और जब लगे कि अब हारने की स्थिति में है तो फिर नाइट वॉचमैन बदल दो। अब इनके पास कोई अच्छा होता तो हम कहते अच्छा, जब अच्छा ही कोई नहीं है तो हम क्या बोले, ये तो खुद ही मान रहे हैं। अब एक सीएम का फेस इनका हार गया जिसके प्रति ये चुनाव लड़े, 10 सीटें इनकी पहले से कम आई, हमारा वोट प्रतिशत आगे बढ़ा भी है, हम 11 में थे, सिरोधारी है, 19 भी सिरोधारी है, हम पहले भी विपक्ष पे थे। जिस तरीके से भाजपा के लोग कह रहे हैं हम हार गए, जरा ये तुलना करेंगे अपने चुनाव के कि जनता कहीं ना कहीं खफा थी, कौन इनको बचा के ले गया। चलिए ठीक है, दीपक पांडे जी के पास आ रहे हैं। दीपक पांडे जी, कुछ बचा हुआ आप लोग के पास उत्तराखंड में कुछ कहने सुनने के लिए? क्योंकि बीजेपी ने तो कहीं नहीं छोड़ा आप लोगों को उत्तराखंड में। ऐसा नहीं है, हमने भी कहीं कहीं एक बहुत अच्छी जीत पंजाब में। तो नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, उत्तराखंड के नेता आजकल पंजाब की बात ज्यादा क्यों करते हैं? मैं पूछता हूँ सवाल, उत्तराखंड का आप लोग बात पंजाब की करने लगते हो? जब बीजेपी सरकार की वो मोदी जी की बात करती थी वो देश के क्यों जाती थी, जब उत्तराखंड की बात होती थी? मैं वो उससे नहीं जा रहा, मैं कह रहा अगर हमने एक राज्य जीता है, 4 राज्य में इलेक्शन अगर हुए तो कांग्रेस कहेंगे पांचों राज्यों से कहीं ना कहीं आउट, और हमें एक जनता ने कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। और लेकिन हाँ, पहली बात तो जो बीजेपी की जो हमारे प्रवक्ता मित्र हैं, पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई इस प्रचंड जीत के लिए, क्योंकि मैं समाज में रह रहा हूँ तो मेरे को बधाई देने का भी अधिकार उनको है, क्योंकि समाज का मैं एक वर्ग हूँ और मुझे अपनी जो है शालीनता दिखानी चाहिए, क्योंकि जीत के हकदार हैं, चाहे उन्होंने भी मेहनत करी, हमने भी मेहनत करी, कांग्रेस वाले हमारे मित्रों ने भी मेहनत करी, लेकिन जनता ने उनको भरोसा दोबारा जताया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ईवीएम का धोखा था, ये था क्योंकि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह रावत जैसे इतना मजबूत साथी बीजेपी के वो हारे हैं, कहीं ना कहीं सेनापति हरीश रावत जी हारे, हमारे कर्नल कोटियाल जी हारे हैं, और कहीं ना कहीं पंजाब में हम लोग जीते हैं तो हम ईवीएम, बहुत से लोग ईवीएम के ऊपर रोना रो रहे हैं, हम उससे भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन ठीक है आज हम अपनी कमी को स्वीकार कर रहे हैं, अगर हम अपनी कमी को स्वीकार नहीं करेंगे आगे हम मजबूत कैसे होंगे? हम विपक्ष की भूमिका में मिलके, जैसे कांग्रेस वाले मित्र हैं वो अपने मुद्दे से बात करेंगे, हम अपने मुद्दों से बात करेंगे, हम बस ये देखेंगे कि कितना बढ़िया समाज के लिए, जनता के लिए काम हो रहा है, जहां पे गलत होता हुआ दिखेगा जरूर हम आवाज उठाएंगे। और देखिए आज जीत का दिन है, होली का समय है, हम तो अब दूर हैं, गले नहीं लगते, आप समझिए गले लगते ही, मैं तो बधाई दे रहा हूँ आपको जो हमारे जीत के दावेदार भाई दीपक पांडे जी, मैं समझ रहा हूँ, देखिए अब आप गले भी मिलिए, सब कुछ ठीक है, बधाई भी दीजिए, सब कुछ ठीक है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा बताइए कि चुनाव प्रचार या ठीक चुनाव के पहले जो बीजेपी इतनी मतलब अछूत लग रही थी आपको, जो कांग्रेस इतनी अछूत लग रही थी आपको, होली मिलन का ठीक है, अवसर अच्छा है, मौका अच्छा है, आप गले मिलना चाहते हैं, मैं इसे एक सियासी मौके की तरह नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना उसे ऐसा लग रहा है कि बहुत दर्द में आप लोग हैं, बहुत परेशान आप लोग हैं और कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो अब क्या किया जाए? बिल्कुल हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है सर, देखिए उनका वक्त है, आज उनका दौर है, बिल्कुल कई लोगों का दौर आया था, किस समय कांग्रेस का दौर था, इस समय बीजेपी का दौर है, एक दौर हमारा भी आएगा, आने वाला समय हमारा भी होगा, अभी हम एक नया छोटा पेड़ है, बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे, ऐसा नहीं हम मानस में जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और मैं ये कहूंगा कि जो कांग्रेस 125 साल पुरानी कांग्रेस, अगर आज वो 2 राज्यों में, आज आम आदमी पार्टी भी 8 साल में, अगर आप आम आदमी पार्टी का इतिहास उठा के देखेंगे तो उन्हें 8 साल के अंदर 2 राज्यों बहुत तेजी से प्रोग्रेस करी है और कहीं ना कहीं कई राज्यों में अपना संगठन बना रही है धीरे धीरे। ठीक है, आज हम हारे हैं कोई जल्दी, अगली बार हम जीतेंगे, हम इससे नाराज कुछ नहीं है और हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, पंजाब से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, अगर हम पंजाब भी नहीं जीते तो हम जरूर एक बार नहीं, पंजाब में तो खैर ग्रैंड विक्ट्री आप लोगों की है, ग्रैंड विक्ट्री है, और अगली बार यहाँ तक कि दिल्ली में भी आप लोगों की विक्ट्री बहुत ही ग्रैंड विक्ट्री थी, बहुत बड़ी जीत, बहुत प्रचंड जीत कही जाएगी आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें,
लेकिन चलिए अच्छा लगा, एक बात तो अच्छा ही है कि ठीक है इस बार हार गए तो क्या हुआ, अगली बार जीत जाएंगे। लेकिन होता क्या है ना, होता क्या है कि अगर अगर तीन पॉलिटिकल पार्टी हैं किसी प्रदेश में तो हर पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे अपने कद को बढ़ाती है, और कैसे किसको आगे बढ़ के बहुत तेजी से आगे निकल जाना है उसकी अपनी एक रणनीति होती है। विनय गोयल जी, मैं अपना संगठन बनाया और आज हम वहां भी हैं, कहीं ना कहीं जीरो से ऊपर है कहीं, चाहे आज हमारे, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैंने अभी बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा दीपक पांडे जी, अच्छी बात है। आप लोग मैं तारीफ करता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ एक बात की, चाहे आप हैं या फिर आपके पहले भी कई प्रवक्ता आपके यहाँ आकर के बैठते हैं, सभी लोग बहुत ही हारने के बाद ही काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। That's good. ये बहुत अच्छी बात है, ये तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। विनय गोयल जी के पास आते हैं। विनय गोयल जी, विनय गोयल जी, आम आदमी पार्टी हार करके भी खुद को जीतने लायक समझती है, और वो उसने बाकायदा एक टाइमलाइन भी खींच लिया है कि अगली बार जीतेंगे। कांग्रेस हारने के बाद, कांग्रेस ऐसा मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों क्या गुटबाजी है, खेमेबाजी है कांग्रेस के अंदर, वो समझ से बाहर की चीजें लग रही हैं, सब आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर ये हाल रहा तो कांग्रेस हारने के बाद भी आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं, अगर नहीं कर रही है तो फिर दीपक पांडे जो कह रहे हैं अगली बार के लिए हम आगे निकल जाएंगे उनसे तो शायद निकल जाएं। लेकिन बीजेपी क्या इन दो चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेगी कि कांग्रेस भी आपके ऊपर सवार है और आम आदमी पार्टी भी सवार हो गई, लाइन को कैसे तेजी से खींचेंगे कि कांग्रेस भी पीछे और आम आदमी पार्टी भी पीछे, ये पांच साल में कैसे क्या होगा संगठन के लेवल पर, बताइए जरा गोयल जी। जी गौरशंकर, बिल्कुल आपने बहुत ही वाजिब सवाल किया। मैं भी भाई दीपक पांडे जी को पंजाब में उनकी रिकॉर्ड सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के मित्र दीप भोरा जी, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा और इसे सच्चाई के करीब जाकर अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए था। उन्होंने जिस प्रकार से उसमें भी तर्क वितर्क करने के जिसके उस तरफ आपने संकेत किया वो किया, तो मुझे लगता है उससे ना तो उनको कोई लाभ होने वाला है ना उनकी पार्टी को कोई लाभ होने वाला है। और इसी प्रकार से कुतर्कों के सहारे पार्टी अपनी स्थिति लगातार रोज खराब करती चली गई। आप देखिए पार्टी में इनकी हो क्या रहा कि पांच में से चार राज्यों में मतलब जहां भी चुनाव हुए, जहां इनकी सरकार एक जगह थी वो भी चली गई, और पांच में से चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, और खुद मीटिंग में इनकी पार्टी प्रेसिडेंट कहती है कि साहब बताओ मैं इस्तीफा दूंगी नहीं, तो अगर आपको लग रहा है कि हमारी वजह से पार्टी की हालत खराब हो रही तो हम पूरे सब तीनों लोग छोड़ने के लिए तैयार है, और बाकी सबसे इस्तीफा मांग लेते हैं। ये कौन सी राजनीति है, ये कांग्रेस के मेरे मित्र नहीं समझ सकते, किसी देशवासी को तो समझ में आया नहीं ये बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप बात तो कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अगर आप मेरे मित्र दीपक दीप ओरा जी से ये सवाल करते कि साहब आपके नेता प्रतिपक्ष में क्यों लड़ाई शुरू हो गई, वहां नेता प्रतिपक्ष में लड़ाई शुरू हो गई और वहां ताल ठोकनी शुरू कर दी लोगों ने कि साहब मैं क्यों नहीं, और आज जिस प्रकार से पुनः खेमेबाजी सामने आ रही है। हाँ, हरीश, तो मुझे लगता है हरीश धामी, हाँ हरीश धामी ऐसा कर रहे थे ना, दावा ठोक रहे थे कि बिल्कुल बिल्कुल, तो नाम लीजिए ना, कोई कांग्रेस पार्टी नेता का नाम लेने में क्या दिक्कत है गोयल साहब, अपनी पार्टी का नेता हो तो बोलने में थोड़ी दिक्कत, क्योंकि आपकी पार्टी में कई नेता खूब बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन देखिए अब उन आरोपों में कोई दम नहीं रहा। आप वैसे कह रहे थे गोयल साहब, मैं कई बार आपसे बात किया कि देखिए इन सब आरोपों में कोई दम नहीं है, जो बड़े नेताओं पर हराने का जो आरोप लग रहा है ये दम नहीं है, नतीजे आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। वाकई में कोई दम नहीं था, जो बाकायदा मदन कौशिक के ऊपर आरोप लगाया गया, कई और नेताओं के ऊपर आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी लेवल पर होनी चाहिए, ऐसे लोग पार्टी को बदनाम करते हैं, और पार्टी को ही बदनाम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि पार्टी से जनता सीधे तौर पर ना कनेक्टेड रहती है। कोई नेता अगर बदमाशी कर रहा है, नेता को निकालिए वहां से, पार्टी को बदनाम मत होने दीजिए, ये बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर पार्टी के लिए। लेकिन दीप बोहरा जी लगता है इन सब चीज़ों से बिल्कुल वाकिफ होंगे, लेकिन आपकी पार्टी बदनाम हो रही है सर, समझ में आ रहा है सर ये चीज़ें, मत होने दीजिए। कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है,
हर 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 व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। आज बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है तो कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूं एक पत्रकार होने की हैसियत से कि जो विपक्ष के लिए इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हरीश रावत पे बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेके टिकट बांट रहे हैं, उससे देखिए क्या है ना, हरीश रावत या फिर दीप वोरा या दूसरे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का रेपुटेशन सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में खराब होगा। ये सब रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग भाई साहब? चलिए, आपने एक शब्द यूज किया, फिर आप समझ गए कि मेरा जवाब क्या होगा। तो आपने पत्रकार बीच में बोली, खैर मैं आपको बता दूं, गौरी शंकर जी और गोयल साहब को भी और दूसरे जो हमारे प्रवक्ता बैठे आम आदमी पार्टी के, हमें सिरोधारी है, हमें जो मैंडेट मिला है सिरोधारी है, जो जनता ने हमें मैंडेट। तो क्या मेरा सवाल गलत लगा क्या आपको दीप वोरा जी? नहीं नहीं, आप कह रहे बदनाम हो रहे। तो बदनाम तो 10 तरीके से होते हैं। आप मुझे बताइए, अभी हरीश स्वामी जी का आपने इनसे मुंह से नाम निकलवाया, आप मुझे बताइए इनके 6-6 विधायक जो हैं और 2 सांसद वहाँ मुख्यमंत्री की अपनी लॉबिंग कर रहे हैं कि आप मुझे बनाओ मुझे बनाओ। है हिम्मत तो विधानमंडल की बैठक कर देना कल ही और चुन ले अपना नेता। हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि लोग फेसबुक पे ही लिख रहे हैं, जब बड़े नेता लिख रहे हैं तो उसको बता दिया जाता है लंबी लड़ाई। हरीश स्वामी जी 3 बार जीत के आए हैं, उन्होंने अपना दावा पेश किया तो क्या गलत है? चाहे तो विधानमंडल ने करना, हम अभी हार की समीक्षा के बाद नेता प्रतिपक्ष भी गलत तय कर देंगे। हम तो कह रहे हैं कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, ये भी 0 में थे, आज 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 इनकी सीटें हैं साउथ में और उधर ये सरकारों में है, 2-2 सीटों में इन्होंने सरकारें बनाई। हम मानने को तैयार है 135 साल पुरानी पार्टी है, आज कहीं ना कहीं हम कठिनाई में है, लेकिन समीक्षा होनी जरूरी है। बदनामी किस बात की हो रही है? चलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बात को, आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि चलिए ठीक है, आप नहीं कहते हैं कि बदनामी हो रही है, लेकिन समीक्षा भी कैसे कर रहे हैं आप लोग, इस पर भी तो सवाल उठ रहा है कि क्यों बार बार समीक्षा की बात होती है, मंथन की बात होती है। सोनिया गांधी जी ने जी एक ये भाजपा के प्रवक्ता लोग क्या CWC की बैठक में अंदर थे? सर्वसम्मति से उन्होंने कहा कि पहले आप लोग हमसे बात करने से पहले जब हम जजमेंट ले, हम तीनों इस्तीफा देने को तैयार है। तो CWC ने कहा, क्योंकि वो इलेक्टेड है वहां पे, वो सस्पेंड नहीं हो सकती CWC, तो सबने वहां पे एक ही सुर में कहा हमें आपका नेतृत्व मंजूर है। CWC में वो G23 का नाम जो मीडिया ने दिया है उनके लोग भी तो हैं, तब क्यों कहा गया वहां पे? तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश करी है, जब उन्हें लगेगा कि हाँ अभी उचित टाइम है, हमें अटके दूसरे को बन जाना चाहिए, वो दौर भी आएगा, वो दिन भी आएगा। तो क्या मतलब, पहले, तो मतलब दीप वोरा जी आप लोग को इस बात का इल्म तो हो चुका है ना कि आप लोग बीजेपी की तरह नहीं है, बीजेपी की तरह नहीं सोचते हैं, बीजेपी की तरह आप लोगों की रणनीति नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सोचना भी नहीं चाहते। और जनता बीजेपी की रणनीति, जनता बीजेपी की रणनीति और उसकी सोच के साथ चलना चाहती है। हम धर्म की राजनीति करना भी नहीं चाहते, हम भगवानों के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहते, हम तो करना भी नहीं चाहते। तो क्या ये वोट जो दिया गया जनता की तरफ से वो धर्म के नाम पे दिया गया, भगवान के नाम पे दिया गया? वोट नहीं दिया गया कांग्रेस को, वोट नहीं मिला, पहले से ज्यादा मिला ना, और मेहनत करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। चलिए अच्छी बात है, कम से कम दीप वोहरा जी बहुत ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा कि ठीक है समीक्षा होनी चाहिए, बदनामी की क्या बात है इसमें, वाकई बदनामी की इसमें क्या बात है? अगर कोई हार गया इसका मतलब ये नहीं कि वो सामर्थ्य उसमें नहीं है, सामर्थ्य उसमें ज़्यादा होता है, इवन वो बहुत ज़्यादा तेजी के साथ और बहुत ताकत के साथ अपनी चीजों को और दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। जमानतें जब्त नहीं हुई हमारी दीपक पर, नहीं सर बिल्कुल, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी वाकई में मजबूत है। अब ठीक है, अब विनय गोयल जी का जादू चल गया तो क्या करेंगे दीप वोरा जी? क्या गोयल साहब, क्या जादू आपने चल दिया एकदम से? एक सवाल और मुझसे कई लोगों ने पूछा, मैं वो दीप वोरा जी से क्लियर करना चाहता हूँ। जल्दी सर, जल्दी, ताकि दीपक से एक सवाल पूछ ले। ने जो इस्तीफे मांगे तो क्या केवल जो प्रदेश अध्यक्ष से मांगे या जो बाकी जो कार्यकारी 4 बनाए गए थे उनसे भी मांगा या उनकी टीम भी साथ में रहे? मैं जवाब देता हूँ। बोलिए सर। गौरी शंकर जी बोलिए गौरी शंकर जी ये इलेक्टेड होते हैं
जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, और जब प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है तो पूरी बॉडी का इस्तीफा होता है, वो सिर्फ वर्किंग रह जाते हैं। ठीक है, जब प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया तो पूरी बॉडी की बॉडी पीसीसी। अरे चलिए सर, इस पे समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन एक सवाल मैं दीपक से पूछना चाह रहा था, समय नहीं तो खत्म हो जाएगा। दीपक एक बात बताएं, आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि हम लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं, आम आदमी पार्टी इस बार हार गई है तो क्या हुआ, अगली बार हम और बेहतर तरीके से, बेहतर रणनीति से प्रदेश में अपनी पार्टी को जीत दिलाएंगे। अब मुझे बताएं कि आम आदमी पार्टी अब 5 साल क्या करेगी, 5 साल है उसके पास कोई रोड मैप? देखिए सर, हमें क्या है, 125-130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का मैं सम्मान करता हूँ, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, और जो हमारी बीजेपी पार्टी है उसका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि क्या हमें इन दोनों पार्टियों से सीखना है कि 125 सालों में कैसे काम करे, जिन्होंने 100 साल जनता ने इनको सम्मानित करके सत्ता बना के रखा, और हमें बीजेपी से भी इसलिए सीखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से इतने कम समय इन्होंने पूरे देश में राज करा इन्होंने भी, और इन दोनों पार्टियों को मैं ये कहता हूँ हमें भी इतना छोटा ना समझे, बिल्कुल हम भी इनके छोटे भाइयों की तरह हैं, इनको भी हमको समझना चाहिए और हमें सम्मान देना चाहिए कि हर बार हमारे पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, और इनको समझिए 8 साल में हमने बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं पूरे देश में एक आम आदमी पार्टी ने एक अपना पैटर्न कहीं ना कहीं लागू करा है, और लोग आज पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग हमें पॉजिटिव ले रहे हैं, लोग हमें निगेटिव नहीं ले रहे कहीं किसी भी आप राज्य में जाएंगे, और आप देखते हैं अगर उत्तराखंड की बात में कहूँ तो यूकेडी को 40 साल हो गए और हमें हुए 8 साल, तो यूकेडी ने जिसने हमारा उत्तराखंड बनाया कहीं ना कहीं आज वो 70 की 70 सीटों में इलेक्शन भी नहीं लड़ पाई, हमें इस बात की कम से कम खुशी तो हमने 70 सीटों अपने प्रत्याशी ढूंढे और मजबूती के सामने लड़ा। ठीक है, माइंडेड देना जनता का है, जनता ने हो सकता अभी हम पे विश्वास ना करा, और जनता कह रही होगी नेक्स्ट नंबर तुम्हारा आएगा, इस बार बीजेपी सरकार को देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं। चलिए आप तीनों, आप तीनों देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे और आप तीनों यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।